Good afternoon. Thanks very much for joining us. We have two exceptionally talented women today, both young, both daring to dream, and both actually living that dream. Jabna has already been introduced. So, Jabna, you became a sarpanch at the age where I was still trying to run away from night shifts and trying to go and party. You were a leader already at the age of 22, not even 22, 21 saal. Aapka pichla ek saal kaise guzra? पिछले साल मैंने अलग अलग से काम किए थे पंचायत में और बहुत से लोगों के साथ मिलना जुलना भी हुआ और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिले मुझे मिला वहाँ पे. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति की लाइन में जाऊंगी. जैसे आपने देखा वीडियो में कि मैं एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ. हमारे परिवार से कोई भी नहीं राजनीति में था. मेरे पापा आजकल 85 साल के हैं और मेरे बड़े भाई हैं वो अपंग हैं, उनको आँखों में कम दिखता है, और मेरी एक छोटी सिस्टर है. आज मेरे साथ मेरे चाचू आए हैं जिनको आपने वीडियो में देखा. तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी. लेकिन जब 2016 में इलेक्शन आए तो वहाँ मंडी में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे श्री संदीप कदम जी. मैं ऐसे उनके पास एक वहाँ पे मंडी में शायद एक एक्सीडेंट हुआ था उसकी कवरेज करने में वहाँ पे गई थी. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इलेक्शन लड़ने के सोचा है तुमने, तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो महिला सीट है. मैंने सर को कहा कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इस लाइन में जाना नहीं है, मुझे पता भी नहीं और 21 साल में मुझे वोट भी कौन देगा. लेकिन जब मैं अपने चाचू के पास आई, अपने परिवार के पास आई, मैंने उनसे कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर सर हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार. तो मेरे परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चाचू ने सपोर्ट किया. जैसे ही 2016 में इलेक्शन की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है खासकर महिलाओं और लड़कियों की बात, क्या होता है हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज भी है कि लड़कियों के एक तो प्रधान बनाते नहीं है सरपंच. मैक्सिमम लोगों ने, जब मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, नॉमिनेशन भरना शुरू किया, जैसे लोगों को पता लगा कि जबना इलेक्शन लड़ने वाली है, तो सब लोगों ने मुझे बोला कि जबना कल दिन को शादी कर लेगी, पंचायत ऐसे रह जाएगी, फिर से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे. तो मैंने लोगों को ये बोला कि अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले कर चुकी होती, क्योंकि जिस गांव से मैं संबंध रखती हूँ, जिस गांव में मैं रहती हूँ, वहाँ की मैक्सिमम लड़कियों की, जो मेरे साथ पढ़ी लड़की हैं, उन सब की शादी 16, 17 और लास्ट 18 साल में हो चुकी है. तो मैंने पहले से सोचा था कि कुछ अलग से करना है, शादी तो आज भी होनी है, कल भी होनी है, तो सोचा था कि कुछ अलग करूँगी. तो जैसे आपको थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहती हूँ, मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ोगी. मैंने पापा से जिद करा कि मुझे पढ़ना है, मुझे प्लस टू करनी है. तो उस टाइम क्या होता था कि हम लोगों के खेतों में काम करते थे, 30 मेरे ख्याल से 60 रुपए दिन हमें मिलता था वहाँ कमा के. तो 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी हमें सर्दियों की भी. तो प्लस टू की, जैसे ही मैंने कॉलेज की बात करी कि मुझे कॉलेज में जाना है, तो पापा ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है. जैसे कॉलेज ज्वाइन किया, गांव के लोगों ने बोला ये लड़की, इसका तो दिमाग ख़राब हुआ है और आज तक कोई लड़की कॉलेज नहीं गई है, क्या करेगी ये जाके कॉलेज. मैक्सिमम गांव की सोच क्या होती है, उनका महिलाओं के प्रति जो सोच है, लड़कियों के प्रति, उनका यही है कि हाँ चलो मैट्रिक पास कर ली या 8 पास लड़की है, उसको दूसरों के घर भेज दो. तो आप लोगों का मुंह बंद कर दिया? हाँ बिल्कुल. जैसे मैं प्रधान बनी, जैसे ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अकेली थी चुनाव लड़ने वाली, मेरे साथ 4 महिलाएँ और थी और उनके बच्चे मेरे बराबर ही के थे. मैंने उन लोगों को समझाया जो युवा पीढ़ी थी, मैंने उनको कहा कि देखो हमारे जो गांव में है वो शराब बहुत ज़्यादा चलती है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा. अगर आप इन महिलाओं को सरपंच बनाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, बस इनके पति आगे आ जाएंगे, ये उनके पति सारा काम करेंगे, महिलाएँ तो फिर से घर का काम करेंगी. उन लोगों ने सोचा कि चलो जबना को एक बार मौका देते हैं. पर इन आदमियों ने आपको बहुत तंग किया फिर भी? बहुत ज्यादा. हाँ स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लाइफ में काफी ज्यादा. आप मगर आपने भी बदला ले लिया, आपने भी शराब बैन कर दिया. बिल्कुल. तो मैंने अपनी पंचायत में पहले साल में अपनी पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पहले नंबर पे लाई थी मैं उसको. जो वहाँ की यूथ, वहाँ का यूथ था, उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, महिलाओं को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनसे बात की. 7-8 महीने तो इसी में लग गए. तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि पंचायत में एक स्पेशल जनरल हाउस बुलाया, उसमें हमने बाकायदा वो रेजुलेशन डाला
कि हम अपनी पंचायत में सार्वजनिक स्थान पे कोई भी आदमी ना तो ताश खेलेगा ना तो शराब पिएगा। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया उसको 5,000 रुपये का जुर्माना, और जहाँ भी अगर लगता है आपको दोबारा वोट करेंगे। मेरे को दूसरी बार कोई सरपंच बनाने वाला नहीं है। महिलाएं मेरे साथ आएंगी। So I was doing my graduation in aerospace engineering, and then one fine day while I was in my fourth year, I said that what is it, that one thing that I would want to do, or you know, which I'm yet to explore. So that was the oceans, which had intrigued me since some time, and I thought that why not give it a shot for the Navy. So tell me, as a woman, as an all women crew, did you have to work that little bit harder than you probably thought the men would have had to? And I'm not just saying physically. No, it wasn't about the physical part. The thing was that an expedition of this sort was happening for the first time in the country. So definitely, nobody had a clue about what it was about. Before us, in 2009, Captain Dilip Donde had done it solo. He was the sole man in the country who had done it. And after that, it was followed by Commander Abhilash Tomy, who did a solo non-stop circumnavigation. So they were the only two sort of references for us, and you know, whom we could take as a reference and learn from them and what all, you know, encompassed. But for us, since we were an all-female crew and this was a team expedition and happening for the first time in the country, so it was a completely experimental thing for us as well. Tell me about some experience that, you know, really shook you on that expedition. There were lots of experiences, you know, especially talking about the circumnavigation. When you're away from land for months and months, you see, you know, you have only the sea to look at for days altogether. And then there are times, you know, which are extremely rough, and you have the little things out there at sea, which might be easy for you on land, suppose going to the loo or cooking food, which some people might enjoy on land. They become extremely difficult at sea. So for us, it took us a while for, you know, getting used to all these things at sea, working in a, you know, inclined platform for months. By the time we would land up in back to the shore, our reference system had already shaken up. I think that there are a lot of times, you know, when females, they undermine their own talents. This is something which I felt personally. And we become inconfident, or we think that few of the things are not meant for us. And when I volunteer for this expedition, there could be people who would be talking that, okay, so these are females doing all these sort of stuff, and this is perhaps not meant for them. So it's that time when you feel that you are not meant for it, you must give it a try, and you must try and look beyond it, you know, and look beyond what your exterior, your external factors are telling you to do. Because as Jabna says, empowerment, we still have a long way to go. Swachh Bharat ka abhi koi fayda hi nahi hai, kyunki sadkon pe hi badlav nahi hai. हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जैसे मैंने भी अपनी पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत का जो नारा दिया है, हम तब तक एक स्वच्छ भारत की कल्पना नहीं कर सकते जब तक हमारे दिल और दिमाग की गंदगी नहीं जाती। हम अगर भारत को चाहे, हम सभी भारतीय जितने भी लोग हैं, हम उस कचरे को एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में सोच है ना, सबसे ज़्यादा गंदी सोच, ये कई सदियों से चली आ रही है। सबसे पहले तो इसको साफ करने की ज़रूरत है, तभी हम एक स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक न्यू भारत की कल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम नहीं सोच सकते स्वच्छ भारत की कल्पना।